ये हम लोग का फूड पार्क प्रमोटर लिखा माज ने हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में 50,000 ललित गुआवा सैम्पलिंग हम लोग को दिया है। तो इसको पास पेज में मैं चाहता हूँ कि जितना गवर्नमेंट रान फार्म्स में पहले शुरुआत में लगाएंगे और इसको 100 पीस के हिसाब से फार्मर्स लोग को दिखाने के लिए हम लोग सारा गवर्नमेंट फार्म्स लाइक सोनाजुली जमलो फार्म्स एट आलोंग देन जयरामपुर कानूबारी ये सारा जगह में हम लोग का लगाने का प्लान किया है। सर ये गवर्नमेंट अपना फार्म में क्यों लिया है यदि प्लांटेशन करने के लिए? गवर्नमेंट फार्म में इसीलिए लिया है कि हमारा यहाँ गवर्नमेंट फार्म में बेसिकली गवर्नमेंट फार्म होता है डेमो फार्म। तो डेमोन्स्ट्रेशन करने का बाद बाकी जो बचता है वेजिटेबल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स से हम लोग सेल करके थोड़ा रेवेन्यू अर्निंग के लिए रखा था। आज का डेट में पहले जमाना जैसा नहीं है। अभी हम लोग बाकी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को वहाँ से इतना निकाल नहीं पा रहा है। तो इसलिए सोचता है कि मैं जितना जो पाम लेन खाली पड़ा हुआ है उसको फ्रूट प्लांटेशंस करने के बाद गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ जाए विथ दोज प्लांटेशंस। मैं उसी को टारगेट लेके कर रहा हूँ। सर काफ़ी हर ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वेटनरी का फार्म है। सारा का हालत तो पूछने के लायक नहीं है। आप उसका सिक्योरिटी फेंसिंग नहीं है, इंक्रोचमेंट का काफ़ी इश्यूज है। ऑलमोस्ट हर फार्म में लैंड इंक्रोचमेंट इश्यू है। इस बार जितना जितना सीवियरली अफेक्टेड फार्म्स को ये साल हम टेकअप कर रहे हैं सबको डिमार्केट करके सिक्योरिटी फेंसिंग देंगे और पाम को पहले सबसे पहले अपग्रेड करेंगे। ये मेगा फूड पार्क का जब आप बात बोलते हैं लिखा माज का बात बोलते हैं तो अभी स्टेटस क्या है सर? अभी तक तो रोड कंस्ट्रक्शन का ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, उसका सेंक्शन भी गवर्नमेंट ने दे दिया है और लिखा माज का ओर से लैंड डेवलपमेंट तो ख़त्म करके रखा हुआ है। द नेक्स्ट फेज में बिजली एंड पानी का सप्लाई देंगे। वो प्रोग्रेस में सर? प्रोग्रेस में। पब्लिक को मैं 2 साल से मिला के 1 लाख सैपलिंग बच चुका हूँ। तो आज डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर को मैं 50,000 प्लांट सैपलिंग में बच चुका हूँ कि बैकवर्ड लिंकेज के लिए ये है। तो और हम लोग ने निर्णय ले लिया हर साल में 50,000 प्लांट बट सैपलिंग बांटने का, क्योंकि रॉ मटेरियल के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर मंथ 2,000 MT रॉ मटेरियल का ज़रूरी है और सीजनेबल फ्रूट का, और एनुअली 24,000 MT चाहिए हमको। ये स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोगों को खबर मिला कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपना तरफ से भी वो लोग शायद प्लांटेशन करेगा बोल के सुनने में आ रहा है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा ना? हाँ, अगर सही से करते तो फ़ायदा होगा। और मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर को डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूँगा कि 70% प्रैक्टिकल में जाके काम को करके दिखाने से अच्छा है जो भी प्लान जो भी प्रोजेक्ट टेकअप करता है, क्योंकि अभी मेगा फूड पार्क आ गया तो हमको रॉ मटेरियल ज़रूरी है। वहाँ में 35 यूनिट इंडस्ट्री आएगा, 35 यूनिट इंडस्ट्री जो एग्री होटल प्रोडक्ट को ही यूज करूँगा। अच्छा एक चीज़ है, मंत्री जी भी बता रहे थे ताकि साहब कि ये खास करके नॉर्थ ईस्टर्न में ज़्यादा करके फूड प्रोडक्ट का ही रिक्वायरमेंट होगा, तो आप भी टारगेट फूड प्रोडक्ट एरिया में हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर इस टाइप का ही आप टारगेट? हाँ, हाँ, उसी में टारगेट ना, स्टील वगैरह कुछ इस टाइप का ऐसा इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, पूरा फूड इंडस्ट्री में टारगेटेड है। फूड इंडस्ट्री में? फूड इंडस्ट्री। तो अभी तक कितना इंडस्ट्री आपके साथ में एग्रीमेंट हुआ है और कितना प्रपोजल है? प्रपोजल 12 कंपनी ने LOI दे चुका और 3 कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने टेक्निकल में अप्रूवल करके रहा हुआ है। क्या क्या का वो जो है? 3 जो है मल्टीपर्पज एनिमल फीड मिल है, एक वेजिटेबल जितना वेजिटेबल का है डिहाइड्रेशन के लिए है, और एक कॉर्नफ्लैक्स और चिप्स के लिए है।